ये मुबारक अमल उनके हिस्से में आया है। और आज तो वो भी जवान हो चुके हैं, उनकी आवाज भी बड़ी बुलंद हो चुकी है, उनकी शोहरतों का आसमान इतना ऊंचा इतना बुलंद है कि बड़े बड़ों के सर से टोपियां गिर जाती हैं। मैं गुजारिश करूंगा आपसे इस्तकबाल कर लें और उनसे खूबसूरत नाते समाप्त करें, उसके बाद खिताबत का एक अजीम जौहर आपके सामने पेश किया जाएगा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर। ये मुफ्ती साहब ने फरमाया और ये सही है कि यहाँ की जो जमीन है सुनने वाली जमीन है, यहाँ लोग सुनने के लिए आते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। आपको देख करके ऐसों की जबान जब जुम्बिश करती है तो बड़े बड़े जवाहर पारे नवादिरात के पाकीजा इंसाइक्लोपीडिया नजर आते हैं। अल्लाह सलामत रखे, जोर से इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मरकजी सीरत कमेटी से सराब जैसे सीरत पाक फैजान सरकार गौसुल आजम अजमत गरीब नवाज मुहाफिजान मसलके आला हजरत। बड़े अदब से मैं गुजारिश करूंगा भाई मोहतरम सैफ रजा कानपुरी साहब से वो तशरीफ लाएं और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पहुंचे इंशाल्लाह सलातो सलाम की सरहदों तक। उससे पहले शब्बीर बरकाती होंगे, उनसे पहले हुजूर मुफ्ती हसन रजा साहब की सीता बड़ी बड़ी कुछ भाई भाई रिसालत में हदीए दुरूद पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस मजमे में जितने लोगों को दुरूद पाक याद है बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। माइक ऑपरेटर साहब से गुजारिश है कि इसकी आवाज अगर हो सके तो बढ़ा दीजिएगा। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। ऐसे ही बोलना है ना, मेरी बार बार कहने की आदत नहीं है कि आप बोले बोले, जब भी इशारा करूंगा सबको ऐसे ही बोलना है। मैं नाते पाक का मतलब पढ़ता हूँ, समाज फरमा खड़े होते
सबके होते, जिनमें खुशी बू बसी है जिनमें के बड़े होते हम भी तकदीर। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत क्या कहना है, माशाल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। फिर से पढ़े, फिर से पढ़े। बड़े होते बड़े होते और शेर को पढ़ने से पहले एक शेर पढ़ूंगा, सुन लीजिए। जी 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 मुझको शहर तहे सरकार मिल गए होते, काश सरकार मिल गए, काश सरकार। सही भाई, ये इस एहतराम की जमीन है, यहाँ के लोग दिल के कानों से नाते पाक समाज पाते, इतने नारे यहाँ कभी नहीं लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि या तो ये एहतराम नहीं है या आप से प्रजा मिला नहीं है। मुबारक हो भाई, मुबारक। शेर को अगर इजाजत हो तो दोबारा पढ़ो। हाँ, तो उठा के बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, औरंगाबाद से लब्बैक या रसूल अल्लाह। जी 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 चाट पर
मुझे जन्नत में तब होते मुझे जन्नत बहुत अच्छे मैं तुम्हारी समातों को सलाम करता हूँ भाई शायद अल्लाह को मुबारकबाद पेश कर अल्लाह आप सबको सलामत रखे आमीन आमीन अगर नसीब करीब दर नबी हो जाए मेरी उससे बड़ी हो हेलो हजरत के नाथ के अशआर की कैफियत का असर होता है अगर नसीब करीब बड़ी नबी हो जाए मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए आपको मालूम होना चाहिए कि नात का जब कोई मुजरा ऐसा सोजे दुरो बन करके बाहर निकलता है तो इमाम भूसूरी के लहरी में यूँ बात करता है तनम पर सूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पर मुर्दा आवारा से इसीना या रसूल अल्लाह इस नात को भूसूरी लिख करके हुजूर की बारगाह में जा रहे थे मेरे आका ने अपने गुलाम से कहा भूसूरी को मना कर दो खबरदार मेरे रोजे पे ना आने पाए कहा क्यों तो मेरे आका फरमाते हैं भूसूरी एक नात लिख के आ रहा है मेरे रोजे पे पढ़ने के लिए हुजूर फरमाते हैं खबरदार अगर भूसूरी ने उस नात को मेरे रोजे पे पढ़ दिया तो मुझे अपनी कब्र शरीफ से अपना हाथ बाहर निकालना पड़ेगा उसे मुबारकबाद पेश करने के लिए ये नात का कमाल है दिलों पे असर अच्छे अशआर के हुआ करते हैं ये उन्हीं कैफियत का मजहर यहाँ देखने को मिला जब मोहतरम हसमत रजा साहिब ने अपने आप को संभालने में नाकाम हुए और भाई मोहतरम सैफ रजा से जाकर तबलगीर हुए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दुआ करो अल्लाह हम सबको हुजूर की बारगाह का हाजिर बाश बना दे जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए अल्लाह सबको दरबार मुस्तफा की मकबूल हाजिरी मुझे जन्नत में तब से होते मुझे जन्नत में तब से होते अगर आप चाहें अगर आपकी ये ख्वाहिश है ना तो जरा पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ ले मुझे जन्नत में तब से मदीने वाले सुन रहे हैं जन्नत में तबसरे होते मुझ पे जन्नत में तबसरे होते अब एक शेर पढ़ता हूँ दफन होता मैं के रसते दफन होता मैं के रसते में दफन होता मैं के रसते में काश वो पाँव रख दिए कसम खुदा की अगर पूरा मजमा पढ़ देगा ना तो एक अलग कैफियत बन जाएगी जरा पूरा मजमा इश्क में डूब के बुलंद आवाज से मुझे जन्नत में तब से दफन होता मैं के रसते में काश वो पाँव रख दिए होते काश वो पाँव काश वो पाँव
जिंदाबाद काश वो पाँव रख दिए होते काश वो पाँव दफन होता मैं उनके रास्ते में काश वो पाँव रख दिए होते फिर तो महशर में मेरे सीने पर जरा जोर से बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह फिर तो महशर में मेरे सीने पर नक्श पाक के बने होते नक्श पाक के बने होते बने बने होते और मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया सखिए हश्र का करूं शिकवा सखिए शिशवा वो भी सरकार आपके होते वो भी सरकार आपके होते वो भी सरकार आपके होते आपके कर लीजिएगा प्यास से मैं तड़प रहा होता आपको सर पिला रहे होते आपको सर पिला रहे आपको सर पिला रहे होते हाथों को उठाकर कह दीजिए या हुसैन जरा पूरी ताकत से बोलिए ना या हुसैन अगर पूरा मजमा पूरी ताकत से बोल देगा ना तो कसम खुदा की यजीदियत का जनाजा निकल जाएगा बोल दीजिए या हुसैन शेर पढ़ता हूँ समाप्त कीजिए एक अलग कैफियत है शेर सुन लीजिएगा सुनिएगा खामोश रहकर दिखाइएगा काश जाने हुसैन मिल जाता काश जाने हुसैन मिल जाता तो साथ में करबला गए जिंदाबाद 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 वाह 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 अल्लाह
प्रथम समाज कीजिएगा काश हुसैन मिल जाता तो साथ में कर बला गए होते साथ में कर बला या
ठीक है। देखिए 11:45 होने वाले हैं, 4 मिनट बचे हैं और 4 मिनट में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपना काम करना। इंशाल्लाह जो पढ़ने जा रहा था वो बाद में या फिर कल आपको सुनाऊंगा। अभी एक और मेरे पार के चंद शेर सुन लीजिए आप। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा है, मदीने से बुलावा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। यहाँ मर्जी नहीं है जल्दी किसी, यहाँ मर्जी नहीं जल्दी किसी की, यहाँ मर्जी नहीं है जल्दी किसी, यहाँ मर्जी नहीं है जल्दी किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, जिस शेर को पढ़ने के लिए इस कलाम का इंतखाब किया वो शेर पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। बहुत जमाना जितना लंगर था रहा, जमाना जितना लंगर खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो मरकजी सीरत कमेटी के। फ्रेंड्स कैसे लगे आपको ये वीडियो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है राशिद और आप देख रहे हैं राशिद का वर्ल्ड, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।